अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन का लस्टर ख़त्म होने लगता है और स्किन पर झुर्रियाँ आने लगती हैं, और साथ ही साथ कई लोगों को पिगमेंटेशन या झाइयों की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। स्किन बहुत ही डल हो जाती है, और डलनेस और झुर्रियों को दूर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स और एक्सपेंसिव किस्म की क्रीम्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और बहुत से लोग तो सर्जरीज, बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, वो एक ऐसी होम रेमेडी है जो, या ऐसा नुस्खा है, या ऐसा तरीका है जो आपकी स्किन की डलनेस को दूर करेगा, झुर्रियों को दूर करेगा और स्किन टाइटन करेगा, और साथ ही साथ उसे गोरा और यूथफुल और ग्लोइंग बनाएगा, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही नेचुरल है और ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई हैव ट्राइड इट ऑन माई फेस। और ये आपकी झुर्रियों को ख़त्म करेगा, झुर्रियाँ मीन्स फाइन लाइन्स या रिंकल्स, और ये आपकी जो है ये आपकी फेयरनेस में इजाफा करेगा, और आपकी जो स्किन की एजिंग है उस प्रोसेस को स्लो कर देगा, और आपकी जो एज, जो स्किन एज करना शुरू कर देती है, उसको डिले भी कर देगा। स्किन पर झुर्रियाँ बहुत स्लोली आती हैं और उसके बाद वो परमानेंट हो जाती हैं, लेकिन उसको ये स्लोली बहुत कम करेगा और आपकी एजिंग प्रोसेस को बहुत ही स्लो कर देगा। आप अपनी यूथफुल स्किन को कायम रख सकती हैं इस फेस पैक को यूज़ करने के बाद, और ये इट्स अ होम रेमेडी, और बिलीव मी, ये सारी जो चीज़ें मैं आपको इसमें यूज़ करना बताऊंगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। मैं आपको एक और भी चीज़ इसके बारे में बताऊं कि इसको नॉर्मली लोग नेचुरल बोटॉक्स भी कहते हैं, जो कि फेस पैक में आज आपको बनाना बताऊंगी और इसे यूज़ करना बताऊंगी। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। जो इसमें सबसे पहला इन्ग्रीडियंट है, उसे दैट इज़ स्टार अनीस। स्टार अनीस, या पाकिस्तान में इसे हम बोलते हैं बादियान के फूल, ये वो चीज़ है जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने खानों में। बहुत से लोग यूज़ करते हैं खानों में इसे, बिरयानी और इस तरह। ये इसमें एक अरोमा होता है जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, लेकिन इस थेरेपी में मैं इसे इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इसमें खुशबू होती है, और इसमें स्किन टाइटनिंग मींस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को टाइटन करते हैं, जो कि आपकी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये यू कैन से कि दिस इज़ लाइक अ होली ग्रेल टू आर स्किन। ये झुर्रियों को मिटाता है, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन को रिफ्रेश करेगा। इसमें थकावट दूर करने, आपकी थकावट दूर कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अरोमा थेरेपी में यूज़ होती है, और वो आपकी स्किन की थकावट को दूर करता है। तो इसे हमने दो, तीन से चार स्टार अनीस लेने के बाद, या बादियान के फूल लेने के बाद, मैंने उसे इस तरह पीस लिया है। जितनी मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए, मैंने इतना लेके उसको अच्छी तरह से पीस लिया, तकरीबन ये हाफ टी स्पून के बराबर है। तो ये आप देख सकते हैं, एक बड़े बोल में मैं तकरीबन हाफ टी स्पून ये बादियान के फूल डालूंगी। यू कैन से दिस इज द स्टार इंग्रेडिएंट ऑफ दिस फेस पैक। तो अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, ये अरोमा थेरेपी में तो यूज़ होता ही है, ये आपकी थकावट, स्किन की थकावट और स्ट्रेस को भी दूर करता है, और साथ ही साथ ही आपकी ओपन पोर्स को श्रिंक करता है। सो रिमेंबर, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर बिरयानी, इट इज़ फॉर योर स्किन एज वेल। सो अब इसका जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है, आई विल बी यूजिंग कॉफ़ी। मैंने नेस्कैफे की कॉफ़ी ली है, आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी ले सकते हैं। तो कॉफ़ी मैं यूज़ करूँगी इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून कॉफ़ी यूज़ की है। अब मैं थोड़ा ज़रा कॉफ़ी के बारे में आपको बता दूँ कि कॉफ़ी में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपकी स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है, और स्किन को गोरा बनाता है, और स्किन पर ग्लो लेकर आता है, और साथ ही साथ आपके रिंकल्स या फाइन लाइन्स को भी दूर करता है। कॉफ़ी आपकी स्किन को टाइट करता है। तो आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी में कितने फ़ायदे हैं, जो कि आप इसे इस पैक में यूज़ करेंगे तो इट विल डू मिरेकल्स टू योर स्किन। हमारा
थर्ड इंग्रेडिएंट है चावल का आटा, तकरीबन 1 टीस्पून मैं चावल का आटा इसमें डाल रही हूँ। चावल के आटे के बारे में मैं आपको जितना भी बताऊँ वो कम है। चावल के आटे में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को यूथफुल बनाते हैं, और इसके अलावा इसमें विटामिंस एंड मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन की यूथनेस को ख़त्म होने नहीं देते। चावल के आटा आपकी स्किन को में ग्लो लेकर आता है और स्किन को टाइट करता है और जवान रखता है। और मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून चावल का आटा डाला है। फोर्थ इंग्रेडिएंट हमारा चीनी है। चीनी मैं तकरीबन इसमें डालूंगी 1 टीस्पून। मैं चीनी के बारे में आपको बताऊं कि चीनी में लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को डीप मॉइस्चर करता है और स्किन को जवान बनाता है और गोरा बनाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपकी टैननेस को दूर करता है। इसके बाद जो फिफ्थ इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डालूंगी वो है कोकोनट ऑयल। ये कोकोनट ऑयल है, ये तकरीबन मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। कोकोनट ऑयल के बारे में आप सब जानते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई होता है और साथ ही साथ विटामिन ए भी होता है, और विटामिन ई और विटामिन ए आपकी स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं, और कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, और इसकी वजह से आपके फेस पे जो झुर्रियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं, या अगर प्रोसेस स्टार्ट भी है तो वो थोड़ा सा उसको पॉज मिल जाता है, और आपकी जो यूथनेस है, जो यूथफुल स्किन है, वो प्रोलोंग करती है ज़्यादा अरसे तक। जो इसका सिक्स्थ इंग्रेडिएंट्स जो है वो है, मैं इसमें डालूंगी अर्के गुलाब। अर्के गुलाब मैं तकरीबन इसमें डालूंगी 1 से 1.5 चाय का चम्मच। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें अर्के गुलाब और शामिल कर सकते हैं। अर्के गुलाब के बारे में तो आप सब ही जानते हैं कि अर्के गुलाब में कितने फ़ायदे हैं। अर्के गुलाब आपकी स्किन के लिए बेस्ट टोनर है, ये आपकी स्किन को ठंडक पहुँचाता है गर्मियों में, तो इट्स बेस्ट, और ये आपकी स्किन को पिंक करता है। रिमेंबर, ये चीज़ याद रखिए। अब मैं इस पूरे जो मास्क है इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और आप देखें अगर ये आपको ड्राई लगता है तो आप इसमें अर्के गुलाब और शामिल कर सकते हैं। अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये एक थिक सा पेस्ट बन गया। इस थिक से पेस्ट को आपने अपने फेस पे लगा के, बिल्कुल क्लीन फेस पे, वॉश्ड फेस पे आपने इसको लगा के 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है ताकि ये सेमी ड्राई हो जाए, बहुत ड्राई ना हो, सेमी ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने हल्का सा इसको स्क्रब करने के बाद इसको ठंडे पानी या नीम गर्म पानी से वॉश कर देना। बिलीव मी, आप इसको जब वॉश करेंगे उसके बाद आपको अपनी स्किन पे बहुत अच्छा फील होगा, इतना अच्छा फील होगा, यू विल फील लाइक आपकी स्किन जो है वो यूथफुल हो गई है। आपको ये वैसे जब लगाएंगे तो आपकी स्किन को बहुत अच्छा ठंडक फील होगी, क्योंकि इसमें इसे अरोमा थेरेपी में यूज़ करते हैं, तो आपको फील होगा जैसे आपकी स्किन की थकावट दूर होना शुरू हो गई है। और इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएंगे तो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम, डलनेस, पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स, झुर्रियाँ, ये सारी प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और याद रखें कि ये बहुत अफेक्टिव किस्म का फेस पैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड वेरी वेरी यू कैन से कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद हैं, आपको बाज़ार से जाके कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आपकी फाइन लाइन्स को दूर करेगा, आपकी स्किन में यूथनेस लेकर आएगा, आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ये यूज़ करने के बाद आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है, मुझे बताना ज़रूर है, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।